हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, तो कंपनी की शेयर कैपिटल पढ़ ली, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया, ऑल्टरेशन भी देख लिया हमने, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मेरे दिमाग में आ रहा है कि कंपनी को शेयर कैपिटल चाहिए तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसे कैसे पता चलेगा कि कंपनी इशू लेके आ रही है? क्या कोई मुझे बता सकता है इन्वेस्टर्स को क्या सपना आने वाला है कि हाँ जी ये वाली पर्टिकुलर कंपनी जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है? नहीं जी, सपना जैसा कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, जिसके थ्रू पता चलता है बेसिकली कि कंपनी अपना ऑफर लेके आ रही है, ठीक है ना? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस वर्ड आई होप सबने सुना होगा। आप लोग स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या इवन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, राइट? अब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है स्कूल कॉलेज का? चलिए, स्कूल कॉलेज पुराना हो गया, तो रिसेंटली आपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अगर आपने एंटर किया है, परस्यू कर रहे हो आप, तो वहाँ पे भी उन्होंने डेफिनेटली प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा। तो प्रोस्पेक्टस में यही लिखा रहता है ना कि जो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या विजन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितना अभी तक उसने अचीव कर लिया। बात समझ में आ रही है ना? लाइक अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो हमारे कॉलेजेस का अगर प्रोस्पेक्टस होगा तो कॉलेज के अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा, रैंक होल्डर्स वाले स्टूडेंट्स की और डिटेल देगा, करेक्ट बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस को डिसाइड करके, ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, एंड इसके थ्रू हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमको एक्स कॉलेज में एडमिशन लेना है या वाई कॉलेज में एडमिशन लेना है। बात क्लियर है ना? ये कंपैरिजन ऐसे ही होता है। प्रोफेशनल एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टस भी होते हैं, बट वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आप उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं करते हो कि आपको एजुकेशन लेनी है या नहीं। आप पहले माइंड मेकअप करते हो कि आपको कौन सी वाली पढ़ाई करनी है, एंड अकॉर्डिंगली आप बस एक फॉर्मेलिटी होती है प्रोस्पेक्टस मिलना। बट वेन वी कंपेयर द कॉलेजेस, देन डेफिनेटली हमको प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट लगता है। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जो हमें बेसिकली एक ओवरऑल पिक्चर देता है जिसको हम कंपेयर करते हैं एंड उस बेसिस पे हमारा डिसीजन लेते हैं कि मेरे को कौन से स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट? कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये सिर्फ आप एग्जाम के लिए मत पढ़िए, ठीक है ना? अभी एग्जाम आने वाली है हमारी, उसके लिए नहीं पढ़ना है हमको, एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जब हमारी एग्जामिनेशन पूरी हो जाएगी, हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जॉब करेंगे या खुद का कुछ करेंगे? पैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है? कोई बोल रहा है मैम कैश में आएगा, चलिए ठीक है कैश में आएगा। सवाल ये आता है कि इन फ्यूचर आप भी तो इन्वेस्ट करोगे। गॉन आर द डेज जब लोग सिर्फ और सिर्फ FDs करवाते थे या बेसिकली गोल्ड खरीद लेते थे, सिल्वर खरीद लेते थे। आजकल ऐसा टाइम नहीं रहा है, आजकल लोग स्मार्ट हो गए, आप स्मार्टली अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। तो आप बेसिकली शेयर्स और इन सब में इन्वेस्ट करोगे तो जब भी कोई नई कंपनी का इशू आएगा, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ना कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, वो डॉक्यूमेंट है हमारा प्रोस्पेक्टस। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है ये चैप्टर। चलिए, बिकॉज ये कंपनी के एंगल से आया है तो यहाँ पे प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे लिए। उसकी इंपॉर्टेंस बस ये है कि हम प्रोस्पेक्टस को कितना अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, राइट? चलिए, तो हमने बात की कि कंपनी को चाहिए, को भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए होती है? कैपिटल। आप मुझे एक बात बताना, ये कंपनी, हम इससे भी पहले की बात करें, हमने देखा कि कंपनी को कैपिटल चाहिए, शेयर कैपिटल चाहिए। बेसिकली कैपिटल कहाँ से आएगी? शेयर इशू करेंगे तो आएगी, या कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू करेंगे। आई एम नॉट सेइंग ओनली शेयर्स, बट दूसरी सिक्योरिटी इशू करेंगे तो आएगी। तो अल्टीमेटली आपको इशू लाना पड़ेगा, इशू लाने के लिए पैसे तो पब्लिक से ही आने वाले हैं। कैपिटल चाहिए तो कैपिटल के लिए कंपनी लाएगी इशू, बट सवाल ये आता है कि इशू के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पब्लिक, पब्लिक को बताना पड़ेगा। पब्लिक में से क्या सारे लोग इशू का फेवर करेंगे? नहीं, पब्लिक में से कुछ लोग, ये लिखा मैंने प्रोसीड, पब्लिक में से कुछ लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो जो लोग इसमें से, जैसे ये पूरा पब्लिक है, ठीक है, इसमें से कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यू पीपल आर इन्वेस्टिंग। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको
को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ये क्या करेंगे, उसको बेसिकली ये परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड चाहिए, वही प्रोसीड अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है कंपनी की कैपिटल में। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, कोई कन्फ्यूजन है? अब मुझे बताओ कि मैम, कंपनी से भी पहले अगर हम जाना चाहें, हम तो प्रमोटर्स पढ़ चुके हैं, प्रमोटर्स पढ़ चुके हैं कि नहीं, ठीक है ना। वाई प्रमोटर्स, प्रमोटर कौन होता है, मैं फिर से याद दिलाती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। प्रमोटर वो पर्सन है जिसका एक्चुअली में बिजनेस आइडिया था, ही इज द पर्सन वो कंसीव्स अ आइडिया, उसको कोई बिजनेस प्लान था, कोई प्रपोजल था, कोई आइडिया था, एंड अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑप्ट करता है। भाई कोई पर्सन जिसको कोई एक पर्टिकुलर आइडिया आया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों ऑप्ट करेगा? कंप्लायंसेस कम है क्या कंपनी में? बट वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इसीलिए एग्जीक्यूट करता है वो अपना प्लान, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए। हमारा ये जो पर्सन है जिसको अब हम प्रमोटर बोल रहे हैं, एक्चुअली में प्रमोटर को एक आइडिया आया, ही कंसीव्स अ आइडिया, अब वो इसका एग्जीक्यूशन चाहता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए ही नो कि ह्यूज कैपिटल चाहिए, ठीक है ना। अब इतनी कैपिटल कहाँ से लेके आएगा भाई, इसकी इतनी सेविंग नहीं है, आसपास के सब लोगों को मिला ले तो भी इतनी कैपिटल नहीं है, हमको ह्यूज कैपिटल तो पब्लिक से ही मिलेगी, राइट। तो इसीलिए ये जो ह्यूज कैपिटल आनी है, ह्यूज कैपिटल के लिए आपको अगेन क्या लाना पड़ेगा, इशू। पब्लिक से पैसे नहीं लोगे तो इशू नहीं कैसे आएगा? तो अल्टीमेटली आप इशू लेके आते हो, तो इशू लाने के लिए हमको पब्लिक को बताना पड़ता है। तो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कहाँ से देते हैं, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलिए, एडवर्टाइजमेंट बोलिए। अब तक के लेक्चर से पहले मैं हमेशा प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइजमेंट बोलती थी सिंपल टर्मिनोलॉजी में, बट आज हम उसको चाहे डॉक्यूमेंट बोले, चाहे नोटिस बोले, चाहे सर्कुलर बोले, ठीक है ना। आप पब्लिक से इशू लेके आओगे, बट पब्लिक को इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पब्लिक को कि हाँ जी हम इशू ला रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन तीन वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलर के फॉर्म में हो सकती है, नोटिस के फॉर्म में हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। नोटिस हो गया, सर्कुलर, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, यही वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम टेक्निकली, क्या बोलेंगे, यही उस डॉक्यूमेंट को हम टेक्निकली हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। बात समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन है? एक कंपनी है, बिजनेस आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो पब्लिक इशू लेके आती है। एंड ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम आपने तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में हमने देखा था पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती, तो क्या वो प्रोस्पेक्टस नहीं लाती? इस सवाल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको इस पर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना नोट करिए प्लीज, इतना कॉपी करिए, एंड ध्यान रखिएगा, व्हेन आई से कैपिटल, मेरा मतलब हमेशा कैपिटल में दोनों से होता है। देखो आप बैलेंस शीट में ध्यान देना, बैलेंस शीट में आप देखो, मैं हमेशा बात करती हूँ कि इनसाइडर फंड्स भी होता है, आउटसाइडर फंड्स भी होता है, राइट। तो इनसाइडर फंड में हमारा आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आउटसाइडर फंड में क्या आते हैं, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स। तो प्रोस्पेक्टस जो है न सिर्फ इनसाइडर फंड के लिए होता है, आउटसाइडर के लिए भी प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस इज अ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक फॉर डिपॉजिट्स और टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी टू इनेबल द इन्वेस्टर टू टेक अ रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। बात समझ में आती है, बात समझ में आई? दैट मीन जब मैं यहाँ कैपिटल लिखती हूँ, अगर आपको कैपिटल से कन्फ्यूजन आता है कि मैम कैपिटल का मतलब तो सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, डिबेंचर्स तो नहीं होता, तो आप फंड्स लिख लीजिए। कंपनी को बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स चाहिए, फंड्स आएंगे पब्लिक से, इशू लेके आएगी, पब्लिक प्रोसीड्स देगी, ठीक है। उसी से कंपनी अपना क्या करेगी, प्लान एग्जीक्यूट करेगी। चार्ट कोशिश करिएगा ऐसे ही बनाएं। एरोस से पता चलता है कि पब्लिक पैसा देगी और उस पर कंपनी रन करेगी।
एंड एक और बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 डेफिनेशन देता है, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये दो चीजें इंक्लूड करता है, सिर्फ नाम लिख लीजिए, मैं मीनिंग अभी नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है ना, मीनिंग हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले बाकी चीजें करेंगे। सो ये प्रोस्पेक्टस से अल्टीमेटली इसमें क्या क्या इंक्लूड है मुझे बताइए, एक वर्ड आता है रेड, एक वर्ड क्या आता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, और दूसरा आता है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये बेसिकली दो टाइप है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दोनों को डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये इसका बैकग्राउंड है, इसको जरूर लिखिएगा प्लीज, ये बैकग्राउंड है कि प्रमोटर वो उसको आइडिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि ह्यूज कैपिटल चाहिए, और ह्यूज कैपिटल चाहिए तो डेफिनेटली आनी कहाँ से है, ह्यूज कैपिटल आनी कहाँ से है, पब्लिक से आनी है, और पब्लिक से अगर कैपिटल आनी है तो पब्लिक को बताने का चढ़ेगा, पब्लिक से कैपिटल आनी है तो पब्लिक को ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको चाहिए प्रोस्पेक्टस, इससे आपको क्या है रटना नहीं पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है क्यों होता है, हम सब देखेंगे। कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन अभी तक के लेक्चर में, बहुत सिंपल है। चलिए तो अब तक के डिस्कशन से जो हमको चार बातें समझ में आई है प्रोस्पेक्टस के बारे में, जरा वो देख लेते हैं। फर्स्ट, इट देयर मस्ट बी इनविटेशन टू द पब्लिक, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम जब कंपनी को बेसिकली, कंपनी पब्लिक कंपनी जो है, जब पब्लिक को बेसिकली प्रोसीड्स के लिए बोलती है कि हम ये सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, तो हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं, ऑफर हम नहीं दे रहे हैं, ऑफर एक्चुअली कौन देगा, पब्लिक देगी कंपनी को, राइट। आम जनता पब्लिक को कंपनी को ऑफर देगी कि सर हम आपके शेयर लेना चाहते हैं, कंपनी अगर उनको एक्सेप्ट करती है तो कंपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगी, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी, कंपनी कभी भी ऑफर नहीं देती, इट्स एन इनविटेशन टू द पब्लिक, इनविटेशन, ऑन रिसीविंग द इनविटेशन पब्लिक हमको ऑफर करेगी, सर वी वॉन्ट टू टेक 10,000 शेयर्स ऑफ योर कंपनी, कंपनी अगर अलॉट कर सकती है तो कंपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देगी, शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्विटेशन टू द पब्लिक आप दे रहे हो, अच्छा, the invitation must be made by or on behalf of company or in relation to the intended company, obviously invitation company hi degi jisko paise chahiye, invitation kis cheez ke liye hoga, to subscribe or purchase, bhai aap hamare securities purchase kariye ya shares ko subscribe kariye, theek hai, invitations must relate to any security, obviously baat hai invitation koi family function attend karne ke liye to nahi hoga, invitation is for subscribing or purchasing the security, itni baat samajh mein aati hai, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे मुझे बताओ। अब यहाँ पे हम एकदम थोड़ा क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पढ़ चुके हैं ना, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन होती है मैम, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन हमको बार बार याद आ रही है, कौन सी वाली रिस्ट्रिक्शन याद आ रही है, आपने पढ़ाया था राइट टू रेस्ट्रिक्ट द शेयर, वो नहीं, फिर कौन सी वाली याद आ रही है बताइए मुझे, कौन सी कंडीशन याद आ रही है मैम, उसमें आपने कंडीशन लिखाई थी नंबर ऑफ मेंबर्स वाली याद आ रही है, नहीं मैम वो तो नहीं याद आ रही है, हमको याद आ रहा है कि आपने बोला था राइट टू रेस मनी और डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, हमको वो कंडीशन याद आ रही है, आपने बोर्ड पे चार्ट बनाया और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा कंपनी पब्लिक या प्राइवेट, तो हम तो कोई सी भी कंपनी समझ सकते हैं, और आपने लिखा है पब्लिक से पैसा रेस करेगी तो मैम हमको प्राइवेट कंपनी याद आ रही है,
अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बिल्कुल ठीक याद आ रहा है, प्राइवेट कंपनी के केस में वो पब्लिक से पैसा नहीं रेस कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है पब्लिक वाला, ये ऑब्वियसली किसके लिए एप्लीकेबल होगा? दिस इज एप्लीकेबल फॉर पब्लिक कंपनी। मैम फिर प्राइवेट कंपनी को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? प्राइवेट कंपनी मतलब प्रोस्पेक्टस नहीं लेके आती, बिल्कुल ठीक बात है, प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टिव ऑब्वियसली कौन लेके आएगा? पब्लिक कंपनी लेके आएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा रेस करना है। मैम प्राइवेट कंपनी से पास पैसा कहाँ से आएगा? बिकॉज वहां पे भी प्रमोटर है, उसको भी कोई आइडिया आया है, उसके लिए उसने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एग्जीक्यूट किया है। तो अभी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम एक बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं कि पब्लिक कंपनी फंड्स कहाँ से रेस करती है, प्राइवेट कंपनी के पास कहाँ से पैसा आता है, उसके बाद हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम क्लैरिटी के साथ पढ़ें। बैकग्राउंड में वो कंडीशंस आर्टिकल वाली नहीं याद आनी चाहिए कि मैम अभी तो कुछ पढ़ा रही है, वहां कुछ और पढ़ाया था। सो लेट्स मेक सम एफर्ट्स, हेडिंग डालते हैं हम कि प्राइवेट कंपनी कैसे सिक्योरिटी इशू करती है, किसको सिक्योरिटी इशू करती है। प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल तो हो सकती है ना? हाँ मैम ये बात तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल तो हो सकती है, बट अभी थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बात की कंपनी को मैंने आपको दो में डिवाइड करवाया था, आइडियली तीन में करवाया था, बट अभी दो कर लीजिए, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले इसी बात पे क्लैरिटी हो जाए कि आखिर पब्लिक कंपनी किसको सिक्योरिटी रेस करती है, पब्लिक कंपनी कैसे सिक्योरिटी रेस करती है। यहाँ पे तीन तरीके हैं सिक्योरिटी रेस करने के, इशू सिक्योरिटी। जब मैं सिक्योरिटी लिखती हूँ आई मीन, देखो फर्क है, व्हेन आई से शेयर्स तो इसका मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस होता है, जब मैं बात करती हूँ सिक्योरिटी की तो मुझे बताओ क्या क्या आ जाता है उसमें? सिक्योरिटीज में सारी सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कैसे सिक्योरिटी रेस कर सकती है? इशू सिक्योरिटी, ठीक है। इसके पास दो ही तरीके हैं, वहां पे तीन तरीके हैं। चलिए तो सबसे पहले मुझे बताओ पब्लिक कंपनी किससे रेस करेगी? पब्लिक से करेगी। तो पब्लिक कंपनी इश्यू सिक्योरिटी टू पब्लिक। पब्लिक से अगर आपको पैसे लेने हैं तो डॉक्यूमेंट कौन सा देना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस, बहुत जरूरी बात है, प्रोस्पेक्टस। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ठीक है मैम। क्या यहाँ पब्लिक लिख दूँ? बिल्कुल भी नहीं मैम, अगर यहाँ पब्लिक लिख दिया तो आर्टिकल्स के अगेंस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी को हमने बोला कि आप सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये अपने आप में एक अलग चैप्टर ले लीजिए, टॉपिक ले लीजिए, जो हम कवर अप करेंगे आज ही के टाइम, बट पहले प्रोस्पेक्टस करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ मोड, और फिर बाकी क्या हुआ, राइट इशू ले आइए या बोनस शेयर्स ले आइए। अब राइट इशू और बोनस शेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट इशू या बोनस इशू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पे? कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल में। तो राइट इशू और बोनस इशू कुछ याद आता है क्या? राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स को, एक बार अगर आपने शेयर्स इशू कर दिए, सेकंड टाइम आप ला रहे हो शेयर्स, और पैसे चाहिए, और शेयर्स इशू किए, देन यू नीड टू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये कंडीशन थी। तो ये हो गया राइट इशू। बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे हो, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स आपके पास बहुत ज्यादा है, उसको कैपिटलाइज करने के लिए आप कर रहे हो, तो हो गया बोनस शेयर। सो दीज आर एक्चुअली द मोड जिसके थ्रू बेसिकली एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है। प्राइवेट कंपनी के केस में मैडम ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल्स के अगेंस्ट में हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनी को अगर सिक्योरिटी रेस करनी है तो कैसे करेगी? सिक्योरिटी इशू करनी है तो कैसे करेगी? राइट इशू लेके आएगी या बोनस इशू लेके आएगी? बहुत सीधी सी बात है, हम फिर से बेसिक्स पे बात करती हूँ, एकदम क्लैरिटी आएगी आपको। पब्लिक कंपनी जब बनती कैसे, मुझे बताओ, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड? मैडम टू पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, दो लोग चाहिए, ठीक है। अब उन जब मैंने मेमोरेंडम पढ़ा था तो मैंने ये भी कहा था दैट एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द कैपिटल हैव टू टेक शेयर्स, यानी अगर मैं मिनिमम लेके चलूँ तो वो दो लोगों को शेयर्स भी लेने पड़ेंगे, तो पहला इशू तो आ गया। लेटर ऑन अगर आपको कैपिटल चाहिए, फर्स्ट इशू क्लियर हुआ ना,
भाई जो भी मेमोरेंडम लेगा उसको शेयर लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में लिखना भी पड़ता है कि उसने कितने शेयर्स लिए हैं। मेमोरेंडम के टाइम ये चैप्टर पढ़ा था हमने, तो पहले शेयर होल्डर तो आ गए। अब अगर दोबारा आपको पैसे चाहिए, यू नीड मोर फंड्स, तो आप पब्लिक से नहीं ले सकते हो, बट आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो पैसे दे ले सकते हो ना। तो उसके लिए आ गया राइट इशू। राइट इशू या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है रिजर्व्स, तो फिर बोनस इशू भी ला सकते हो नाम। लेकिन बोनस इशू से पैसे तो नहीं आएंगे। हाँ ये बात ठीक है, बोनस इशू से पैसे नहीं आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोनस इशू करते हो। अच्छा अगर आपको चाहिए ही तो आप क्या कर सकते हो, पैसे ही चाहिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट पे भी जा सकते हो। दैट मीन्स आज ये बात तो तय हो गई, हम जब ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, तो डेफिनेटली मुझे आज आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ाना है प्लस ये प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाना है, बिकॉज पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा रेज करती है और प्राइवेट कंपनी भी। तो आज का हमारा प्रोस्पेक्टस के बाद अगला टारगेट होगा दिस प्राइवेट प्लेसमेंट्स। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है मुझे बताइए। चलिए तो अभी प्रोस्पेक्टस पे फिर से आ जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर से हम बात शुरू करेंगे प्रोस्पेक्टस की। अभी तो देखा था प्रोस्पेक्टस का इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, बैकग्राउंड समझा था, अब उसका उसमें क्या क्या कंटेन होता है, कब उसको फाइल करना होगा, सारी चीजें समझेंगे। तो इसको फटाफट से नोट करिए, फिर करते हैं प्रोस्पेक्टस। फटाफट से इसको नोट करिए। ऑल्दो हमारा चैप्टर प्रोस्पेक्टस तो उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमको जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक हम ये चार्ट ना बना ले, तो फटाफट से इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस पे ही बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होती हैं इन्वॉल्व। चलिए आगे बढ़े। ओके हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है, वो इंफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर, कोई भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होगा, वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें होंगी, तो अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में एक्चुअली होगा क्या क्या। तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं जरा देखते हैं, नीचे कर लें। प्रोस्पेक्टस का अगर मैं कंटेंट देखूं, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट है, तो मैं इसको तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करूंगी। पहला डिस्क्लोजर पार्ट, ठीक है, जहां पे बहुत सारी चीजों का डिस्क्लोजर होगा। दूसरा पार्ट में हम रिपोर्ट्स क्लासिफाई कर लेते हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स भी बेसिकली प्रोस्पेक्टस में हमको देखने को मिलेंगी, डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, प्लस कुछ कंप्लायंसेस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लें, पढ़ना इजी होगा। डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, एक बार इसको बना लीजिए फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर्स के अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स इसके साथ आने वाली हैं, रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स टू बी गिवन लिख लीजिए, डिस्क्लोजर्स, रिपोर्ट्स टू बी गिवन, प्लस कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब समझते हैं ना, किस किस रूल्स रेगुलेशंस के साथ आपको कंप्लायंसेस करना है। तो कंप्लायंसेस विद रिगार्ड टू प्रोस्पेक्टस, चलिए
चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंप्लायंसेस विद रिगार्ड टू प्रोस्पेक्टस. ओके, मूविंग अहेड, डिस्क्लोजर्स की हम पहले बात करें. तो देखो, डिस्क्लोजर में हम जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले देंगे. क्या देंगे? हमारी ये जो कंपनी है, कंपनी कौन सी, बी वेरी क्लियर, हमारी ये जो पब्लिक कंपनी है इसका नाम. जो आपको मेमोरेंडम याद आ रहा ना, मेमोरेंडम याद आता है तो वहीं से शुरुआत करते हैं. मेमोरेंडम में नेम क्लॉज होता है, हाँ मैम, तो यहाँ भी नेम बता दीजिए. फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका, वो बताइए. चलिए, इसके अलावा क्या बताएंगे, डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है. इसके अलावा इंटरमीडिएटरीज. अब देखो, किसी पब्लिक कंपनी को अगर इशू लेके आना है तो क्या एक पर्सन इशू ले आएगा? हमको बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. मैम नहीं समझ में आया, बाकी सारे लोग क्यों चाहिए? किसी ने कभी अंडरराइटिंग कमीशन का नाम सुना है, अंडरराइटर्स बेसिकली सुना है? देखो, सब चीजें ना रिलेटेड हैं, तो आपको वो सारे लोगों का रिलेशन बेसिकली याद करना रहेगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लंबी सारी लिस्ट को याद करो, बैठ जाएंगे कि आज तो हम ये जो देखो नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, 10-12 पॉइंट्स है, तो हमको आज तो 10-11 पॉइंट्स याद करके ही उठना है. तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डिस्क्राइब द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द प्रोस्पेक्टस, ऐसा सवाल नहीं आने वाला है. बट हमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, तो जो जो लोग पॉइंट्स रिलेटेड है उसको लिंक करते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल के टाइम, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कोई दिक्कत नहीं है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दीजिए. अंडर सब्सक्रिप्शन में कितना अंडर सब्सक्रिप्शन, 90% का डेडलाइन है ना, 90% से अगर कम सब्सक्रिप्शन आया तो फिर पैसे वापस करने पड़ जाएंगे. तो कंपनी ये सब नहीं चाहती है, इसके लिए प्रमोटर्स चाहते हैं कि रात को आराम से सोए, इस चिंता में ना रहे कि 90% से कम आए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे. अब इस चिंता से दूर करने के लिए कौन है उनके पास, रेमेडी किस फॉर्म में आई, रेमेडी आई इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटर्स, ठीक है ना. ये वो पर्सन होते हैं जिनका ड्यूटी है बेसिकली कि वो शेयर सेल करें, और ये हमको गारंटी देते कि देखो जी, पब्लिक ने पैसा नहीं लिया तो हम आपका ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला पैसा है ना, हम वो शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना. अब इसके बदले में हम कमीशन डिमांड करते हैं. तो पहला हो गया अंडरराइटर्स, ठीक है जी. इसके अलावा क्योंकि ये लीगल मैटर्स बहुत सारे इन्वॉल्व है इशू लाने के लिए, तो जितने भी लीगल एडवाइजर्स होंगे वो, प्लस बैंक वाले लोग भी साथ में होंगे. क्यों? बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रोसीड्स आएंगी वो डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगी. कहाँ जाएंगी? एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकली एस्क्रो अकाउंट बोलेंगे. पुराने चैप्टर का ही फिर से रिकैप है. तो बैंकर्स भी आ गए, प्लस जब मैं रिपोर्ट्स की बात करूंगी तो मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट कौन देता है, ऑडिटर देता है, कोई सीए साहब होंगे या सीएस होंगे जिस जो हमको बेसिकली रिपोर्ट देंगे. तो हमारे पास कितने लोग हो गए, मर्चेंट बैंकर्स की टीम हो गई, ऑडिटर्स हो गए, लीगल एडवाइजर्स, सॉलिसिटर्स, बैंकर्स, ये सारे लोग हो गए, राइट. ये सब लोगों को हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सब लोगों का हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इन सब लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ेगी, ठीक है मैम. ये तो पता समझ आ गया, नाम पता सबका दे देंगे. प्लस यू नीड टू टेल ऑब्वियसली इन द प्रोस्पेक्टस कि आपका जो इशू है कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, बिकॉज 3 to 10 days के लिए ही रहता है. तो 3 to 10 days आपके कब से शुरू कब से एंड होते हैं वो देख लेंगे. इसके अलावा सेपरेट बैंक अकाउंट का डिटेल आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर उसी अकाउंट में पैसा जमा करेगा. प्लस मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द अमाउंट आपको बताना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है. आपको अपना मेन ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, अल्टीमेटली यही वो बेसिस है ना जिससे कंपनी, जिससे इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे. यहाँ पे क्लियरली वो बताएंगे कि आपका जो पैसा है वो कहाँ यूज करने वाले हैं, उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है. सिर्फ आज प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमको फ्यूचर ग्रोथ भी देखना है. अब जैसे सब लोगों ने, जब जामनगर रिफाइनरी का IPO आया था बेसिकली रिलायंस का, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इतने साल तो बनने में लग जाएंगे इन्वेस्टर. अब जब बनने में इतना टाइम लग रहा है, मुझे बताओ क्या पहले साल ही प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी? नहीं. बट जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने क्या देखा, उन्होंने फ्यूचर ग्रोथ देखी कि एक बार ये रिफाइनरी बन गई उसके बाद इसमें कितना स्कोप है, राइट. तो प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फ्यूचर ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट. रिलेटेड पार्टी अगर ट्रांजेक्शन हुए हैं, मैम टेक्निकली हम अभी नहीं बताएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, सिर्फ समझ लीजिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो फेयर होना चाहिए, राइट. अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो फिर आपको वो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि कंपनी जैसे ही
क्रिएट होती है, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, ये बात हम समझते हैं। तो जैसे ही हमारा फाइनली हमारा क्रिएशन वाला प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, इनकॉर्पोरेशन वाला कंप्लीट हुआ, हुआ नहीं क्या आईपीओ आ गया, ऐसा नहीं होता है। कंपनी हो सकता है काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चले, उसके बाद जब उसको फंड चाहिए हो तो वो फंड्स लाने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस तो ले गया है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हो सकता है कंपनी के कुछ साल बीत गए हों, तो अब जो पुराने वाले साल है, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले लेट्स से कंपनी 6 साल तक एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है, तो उन 6 ईयर्स में अगर आपके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है या इस टाइप का कोई भी ट्रायल चला है, देन यू नीड टू स्पेसिफाई इन द प्रोस्पेक्टस, सही सही सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? प्रोस्पेक्टस में अगर आपने गड़बड़ी करी, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, तो क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट ध्यान रखिएगा पेनल्टी प्रोविजंस वहां पे आ जाते हैं। तो ये तो बात हुई डिस्क्लोजर्स की, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। एज आई सेड कि कंपनी काफी टाइम तक एग्जिस्टेंस में हो सकती है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस लाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कंपनी पिछले 5 साल से थी तो हर साल का आपको फाइनेंशियल देना पड़ेगा। वैसे फाइनेंशियल इसका मतलब क्या हुआ, पीएनएल एंड बैलेंस शीट देना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट किसी सीए साहब ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी वो देनी पड़ेगी, प्लस रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस और ट्रांजैक्शंस टू विच प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटी आर टू बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसमें भी आप बेसिकली पैसा लगाने वाले हो वो सारी रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेंगी। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन? प्लस अदर कंप्लायंसेस की बात करते हैं, जब मैं बात करती हूँ कंप्लायंसेस की तो ये बात होती है लीगल कंप्लायंस, वहाँ पे वो बोलती है कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, डेट होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस की। डेट का इंपॉर्टेंस आपको 10 मिनट में समझ आ जाएगा, अगला जो मैं पॉइंट लूंगी वहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। तो डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ठीक है जी, साइन कौन करेगा वो भी समझेंगे धीरे धीरे, सारी चीजें करेंगे, डायरेक्टर्स साइन करते हैं, अच्छा डायरेक्टर्स प्रमोटर्स जो भी लोग उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, वो सब लोग साइन करेंगे। इसके अलावा एक बेसिक रूल है कि प्रोस्पेक्टस को इशू कराने से पहले, इशू करने से पहले माई बाप दैट इज आरओसी को बताना पड़ता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ क्लास में, इस क्लास को बैकग्राउंड में ऐसे याद करिए, बाहर वाले यू बीइंग अ स्टूडेंट, आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है, किसी आउटसाइडर को बताने से पहले किसको बताइए, पेरेंट्स को, तो आरओसी यहाँ पे पेरेंट्स है, आप ये समझ लीजिए। तो पब्लिक को हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन दे उससे पहले पेरेंट्स को डैट इज आरओसी को बताना पड़ता है। तो बेसिक रूल ये बना कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले इट हैज टू बी रजिस्टर्ड बाय आरओसी, ये बात याद रहेगी ना। दैट मीन्स प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होना चाहिए कि ये आरओसी के साथ किस दिन आरओसी से रजिस्टर हुआ है, ये बात भी रहेगी। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी इंक्लूड होगा, एक्सपर्ट कौन होगा वो समझेंगे। तो ये सारी चीजें कंप्लायंसेस में आती हैं। प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी इज वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग विद द आरओसी, जिस दिन आरओसी में फाइलिंग किया वहां से लगा के 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बात क्लियर है ना? जैसे बच्चा हॉस्टल से पहली बार घर से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो अब फाइनली सीधा साधा रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, देखो 3-4 महीने की हम गारंटी देते हैं, उसके बाद तो उसकी कंपनी कैसी है, बाकी लोग कैसे, उस पर डिपेंड करता है, राइट, घर से इतना साल रहा है तो 3 महीने तो गारंटी है कि नहीं बिगड़ेगा। लाइक दैट आरओसी से बेसिकली एक बार अगर रजिस्टर हो गया तो वहां से वो वैलिड रहेगा फॉर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज वो वैलिड नहीं रहेगा। चलिए एडवर्टिजमेंट में ऑब्वियसली मेमोरेंडम का पूरा कंटेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सारी चीजें, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना, एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे रही हूं, बिकॉज टेक्निकली ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, बट हमको पता होना चाहिए अल्टीमेटली कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बात क्लियर है? इतना क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो पूछिए, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो मैंने बताया था ना, पहले माय बाप को बताना पड़ेगा, पहले आरओसी को कैसे बताएंगे, वो डेट्स कौन सी होंगी वो समझेंगे। तो इतना कर लीजिए, फिर करते हैं। ये हो गया ना कंप्लीट सबका, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट हो गया सारा। चलिए तो अब बात करते हैं कि आरओसी से पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे हम एमओए एओए पब्लिक, हमने बोला था ना एमओए एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स,
पब्लिक कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट से प्रिस्क्राइब फीस पे करिए अवेलेबल है पब्लिक के लिए, बट पब्लिक को बताने से पहले आरओसी से रजिस्टर कराना पड़ा था ना, सेम वे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है. हम प्रोस्पेक्टस कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी. तो बहुत सिंपल सी बात है, नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इश्यूड अनलेस इट इज सबमिटेड टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है ना, नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इश्यूड, बहुत सिंपल लाइन, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड बाय आरओसी. अब आरओसी से रजिस्टर करने के लिए ऑब्वियसली सबमिट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट. बात समझ में आई? अब ये जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है ना, ये जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है इस पे एज अ सेट प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड. तो साइन कौन करेगा? इट शुड बी साइंड बाय एवरी डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर. ठीक है ना, ये बात समझ में आती है मैम. आरओसी जब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक इस पे क्या ना हो सिग्नेचर, द पर्सन कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ जी हम प्रोस्पेक्टस पे अपनी कंसेंट देते हैं इन राइटिंग. ऐसा क्यों मैम? आरओसी इतना क्यों कंसर्न्ड है बताइए? ऑब्वियस ही बात है, कल दिन अगर प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन हुई तो वहां पे क्या है ना, पनिशमेंट बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पे प्रोविजन. तो जो भी पर्सन के साइन हो गए उन सबको पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है ना, दैट इज वाई वो क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी लोग साइन कर रहे हैं दे शुड बी वेरी श्योर कि यहाँ पे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है. इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. और आरओसी जब तक उसको रजिस्टर नहीं करती जब तक सब लोगों की कंसेंट नहीं होती राइटिंग में. मैम ये बात भी समझ आई? अब देखते हैं कि एक बार हमने लिखा कि नो प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड बाय आरओसी. अगला पॉइंट आता है कि एक बार अगर ये रजिस्टर हो गया तो मैम इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? हर चीज की वैलिडिटी होती है ना. तो अभी वैलिडिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, वैलिडिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन. एक बार अगर आरओसी ने मेरा प्रोस्पेक्टस को क्या किया, रजिस्टर कर लिया मान लीजिए, तो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड फॉर मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू द आरओसी. दैट मींस वैलिडिटी नॉट मोर देन 90 डेज लिखा है. तो हम सिंपल टर्म्स में ये देखें कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, फॉर 90 डेज. भाई किताबें ऐसा पढ़ाती हैं नॉट मोर देन 90 डेज, तो हम सिंपल ये पढ़े कि भैया अप टू 90 डेज तक ये वैलिड रहेगा. अप टू और लिख लीजिए, अप टू 90 डेज तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा. बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है? साथ ही साथ मैम आप जो बोल रही हो ना कि प्रोस्पेक्टस को नहीं इशू कर सकते, मान लीजिए किसी ने इशू कर दिया, इट्स नॉट रजिस्टर्ड विद द आरओसी बट स्टिल किसी कंपनी ने इशू कर दिया, तो क्या आएगा? पेनल्टी आएगी. तो देखिए पेनल्टी कितनी है, पनिशमेंट भी देख लेते हैं ना साथ साथ. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी कॉन्ट्रावेंशन कैसे होगा मुझे कोई समझा सकता है क्या? कॉन्ट्रावेंशन कैसे होगा? कॉन्ट्रावेंशन ऑब्वियसली तब होगा व्हेन द प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी. भाई आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराया नहीं और प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो पेनल्टी लग जाएगी. पेनल्टी के लिए आपको बोला है इट शुड नॉट बी लेस देन 50,000 बट मे एक्सटेंड टू 3 लाख. ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मल कोर्स में पेनल्टी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी. नॉर्मल कोर्स में पेनल्टी कितनी लगती है? नॉर्मल कोर्स में 50,000 से लेके रुपीज 50,000, बिकॉज नॉट लेस देन 50,000 लिखा है, तो 50,000 से लेके अप टू 3 लाख हो सकती है. जीरो स्टिक लगाया ना? हाँ जी. तो 50,000 से लेके 3 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है, बट ये नॉर्मल कोर्स में हुआ. इफ द पर्सन एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विथ फाइन विच नॉट लेस देन 50,000. यानी अगर नोइंगली है, देखो एक वो पर्सन है जिसको पता ही नहीं था, एक वो पर्सन है जिसको पता है. पर्सन नोइंगली अ पार्टी
इस डिफॉल्ट में एक पर्सन नोइंगली है तो वहां पे ये तो होगा ही, ये तो होगा ही. दिस प्लस, प्लस क्या लिख रही हूं, क्या लिखा मैंने, इम्प्रिजनमेंट. तुमको पता है कि ये गड़बड़ है, फिर भी अगर उसकी पार्टी में हो तो पेनल्टी प्रोविजन में पैसे की तो लगेगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, विच शुड नॉट बी, मे एक्सटेंड टू 3 years. इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू, यानी व्हेन आई से मे एक्सटेंड टू, इसका मतलब प्रिसाइसली 3 साल होगा जरूरी नहीं है, 3 साल तक हो सकता है. इसीलिए मैंने बोला नॉर्मल कोर्ट्स में 50,000 से 3 लाख तक का पेनल्टी लगता है. बट इफ अ पर्सन इज नोइंगली अ पार्टी ऑफ दिस डिफॉल्ट, पता है कि प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, स्टिल हम अपने कंसेंट दे रहे हैं, फिर चाहे कोई भी वो पर्सन हो उसके ऊपर फाइन तो लगेगा प्लस इतना इम्प्रिजनमेंट. कॉपी करिए इसको. कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बहुत सिंपल है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट आप पब्लिक को दे रहे हैं उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा आरओसी से. ठीक है, आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 90 डेज तक ये वैलिड रहेगा. 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि इस दिन आरओसी से रजिस्टर कराया, इस दिन उन्होंने पब्लिक को इशू किया, इज देयर एनी कॉन्ट्रावेंशन. तो कॉन्ट्रावेंशन कैसे होगा, आपको वहां पर दिन काउंट करने पड़ जाएंगे. टू बी वेरी क्लियर, राइट, 90 डेज बोलते हैं वो 3 months की नहीं बोलते हैं. एग्जाम में यू नेवर नो कि एग्जामिनर किस एक्सटेंड तक जा सकता है. किसी दिन सवाल आया, उन्होंने मंथ्स दे दिया, 2 31 के दे दिए महीने और 1 30 वाला दे दिया. जुलाई अगस्त होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, टोटल देखा जाए तो 92 डेज हो जाते हैं. वहां पे अगर हमने मंथ से चले तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 92 डेज हो चुका है जबकि यहाँ पे वैलिड ओनली फॉर 90 डेज है, तो वहां पे भी कॉन्ट्रावेंशन होगा. तो इसीलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, बी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड डेज. इतना हुआ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब बात आती है कि आप जब पब्लिक से पैसा रेज करते हो प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो पब्लिक को बताते हो ना कि ये किस ऑब्जेक्ट के लिए हमने रेज किया है. आप जो हमको पैसा दे रहे हो, योर हार्ड अर्न्ड मनी, हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं. बात समझ में आई? इन टर्म्स बेसिकली वो बताते हैं कि जो प्रोसीड्स आएंगी, आप जो हमको पैसा दोगे, वो किस कॉन्ट्रैक्ट में किस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लगा रहे हैं. अब कल दिन मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली पैसा रेस करूं एंड अल्टीमेटली मैं इसको पी क्यू आर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करूँ. हम ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर समझ नहीं आ रहा. तो ठीक है जी, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं. अब एक कंपनी है जो बेसिकली बनी है फॉर प्रमोशन ऑफ लेट्स से एजुकेशन. ठीक है ना, कंपनी जब बनी थी उन्होंने फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए वो क्या करना चाह रहे थे, पैसा रेस करना चाह रहे थे. कमर्शियली मैं बात कर रही हूँ. अब किसी के दिमाग में आएगा, मैम ये तो सेक्शन 8 कंपनी हो गई जो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट. ना ना, हम प्रॉफिट कमाएंगे, हमारा बिजनेस ले लीजिए, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो कोई कंपनी बेसिकली प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए बेसिकली आ रही है. ठीक है जी, स्मार्ट क्लासेस का ट्रेंड है, उसके लिए कंपनी एस्टैब्लिश हुई. अब ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए पैसा रेस किया. बात समझ में आती है? बट लेटर ऑन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया और अब उनको लगता है कि यार ये फील्ड थोड़ा ठीक नहीं है, लेट्स कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुक्स. जो किताबें आपको मिलती है ना, बुक्स का मैन्युफैक्चर मतलब पब्लिशिंग, बेसिकली बुक्स पब्लिशिंग हाउस में हमको हम आप इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, पैसा क्या बोल के लिया था आपसे, मुझे बताइए. हमने मनी लिया था फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस चलाएंगे, बढ़िया क्लासरूम्स, ये सारी चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. बट अभी कहाँ यूज हो रहा है, एजुकेशन से हट गया एकदम, हालांकि रिलेटेड लाइन है बट स्टिल बुक पब्लिशिंग में हमारा टोटल फोकस चला गया. तो सवाल ये आता है कि क्या प्रोस्पेक्टस में और रियलिटी में क्या चेंजेस हो सकता है, इज देयर एनी वेरिएशन इन टर्म्स. ठीक है ना, इज देयर एनी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स में डिफर, क्या वेरिएशन अलाउड है बताइए. आपने जिस टर्म्स पे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पैसा रेस किया था, क्या उससे वेरिएशन अलाउड है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, पहला आता बात आती है कि आपने आपके इस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करके पब्लिक ने पैसे दिए, तो वेरिएशन अलाउड अगर कर दें, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई.
तो वेरिएशन अलाउड है, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन अलाउड ही नहीं होगा, वेरिएशन में भी अलाउड, बट देन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा. व्हेन आई से स्पेशल रेजोल्यूशन इट मींस व्हाट, 3/4 ऑफ द पब्लिक का आपको कंसेंट चाहिए, पब्लिक इन द सेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है ना. इतने लोगों की कंसेंट आपको लगेगी, प्लस हमको एक तरह से एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, हर जगह बताना पड़ेगा. देखो जी, हमारा मेन ऑब्जेक्ट वो था जब हमने पैसा रेस किया था, उस पर्पस के लिए किया था, एंड अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को में वेरी कर रहे हैं, हम अपने टर्म्स में वेरिएशन ला रहे हैं, अब हम इस टर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं पैसा. ठीक बात है, कोई दिक्कत है इसको समझने में, कोई भी दिक्कत है तो बताइए. सो दिस इज या वेरिएशन. तो वेरिएशन के लिए क्या क्या बेसिकली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वो देखते हैं. वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट एज रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस. तो अगर आप वेरिएशन कर रहे हो तो क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं. स्ट्रिक्टली वेरिएशंस अलाउड नहीं है, बट करना है अगर आपको तो ये प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा. तो वहां पे कंपनीज एक्ट में, एज आई सेड इंट्रोडक्शन के टाइम में मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे क्या है ना कि सेक्शंस कम हो गए हैं. नंबर ऑफ सेक्शन देखो, एक ही सेक्शन है जो इस बात पे बात करता है, सेक्शन नंबर 27 सीधी बात बोलता है कि वेरिएशन अलाउड है बट स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. बट कंपनीज एक्ट 2013 में एड ऑन होके बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, ठीक है ना. यहाँ पे रूल्स आ गए तो हमको सेक्शन के साथ साथ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं जो भी हमारे लिए यूजफुल होंगे. तो यहाँ पे हमको दो चीजें पढ़नी है जब मैं वेरिएशन की बात करती हूँ तो एक तो मुझे सेक्शन पढ़ना है, प्लस मुझे रूल्स पढ़ने हैं. रूल्स कौन से, रूल्स 7 ऑफ द कंपनीज रूल, ठीक है ना. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल 7 वो डील करता है. तो हम बात कर रहे हैं किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है. वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट एज रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस. एज रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस क्यों लिखा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो था उससे वेरी कर रहे हैं. तो इसको हम दो सेट्स में पढ़ेंगे. एक तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन, सेक्शन 27 ऑफ कंपनीज एक्ट. जब मैं ऐसा लिखती हूँ COS, तो आई होप आप समझते होंगे COS कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. एक तो ये सेक्शन जो कहता है वो पढ़ना पड़ेगा, प्लस हमको रूल्स देखने पड़ेंगे. तो रूल सेवन ऑफ कंपनीज क्या कहता है, रूल सेवन ऑफ कंपनीज, रूल सेवन ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. Prospectus and Allotment of Securities Rules 2014. हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है. That means मेरा ये भी comply होना चाहिए, ये भी comply होना चाहिए. तो ये दोनों सेट में क्या बातें लिखी हुई हैं वो हम समझते हैं. सबसे पहले सीधी सी बात है कि आप वेरी कर सकते हो, बट क्या चाहिए होगा, यू नीड टू टेक द अप्रूवल वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लस नोटिस देना पड़ेगा आपको न्यूज़पेपर में, नोटिस देना पड़ेगा इंग्लिश में एज वेल एज इन द वर्नैकुलर लैंग्वेज, यानी जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है. तो दोनों को मिला के मैं लिख देती हूँ, ठीक है. यू नीड टू टेक व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन. यू नीड टू टेक अप्रूवल वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है मैम. अप्रूवल ले लिया स्पेशल रेजोल्यूशन में. अब बहुत जरूरी बात, स्पेशल रेजोल्यूशन का जो नोटिस होगा ना, स्पेशल रेजोल्यूशन का जो नोटिस होगा उसमें सारी बातें लिखी होंगी, राइट. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने पैसा रेस किया, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने रेस किया था फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक. अब 10 लाख में से 6 लाख रुपीज आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए रेस किया था वहां यूटिलाइज कर लिया, बचा कितना, 4 लाख अनयूटिलाइज्ड मनी. तो अनयूटिलाइज्ड मनी जो है अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो वेरिएशन करके,
तो हमको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, हमको बताना पड़ेगा कि सर जी देखिए आपका जो भी प्रोसीड आया था वो 60% हमने यूज कर लिया आपके इशू वाला पैसा फॉर द मेन ऑब्जेक्ट, 40% अब हम वेरिएशन के साथ यूज करना चाहते हैं, राइट? तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना है, कितना आपने अपने ऑब्जेक्टिव में यूज किया, कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी इन द स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन जो जाएगा उसमें सब चीजें बतानी पड़ेंगी, प्लस रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जब पहले आपने इन्वेस्ट किया था तो कितना रिस्क फैक्टर था, अभी कितना रिस्क फैक्टर है, सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी. अच्छा, यू नीड टू गिव अ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर. भाई आप अपना क्या कर रहे हो, वेरिएशन करोगे तो न्यूज़पेपर के थ्रू यू नीड टू टेल टू द शेयर होल्डर, द नोटिस शैल बी सेंट टू द शेयर होल्डर एंड शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन टू न्यूज़पेपर. ध्यान रखिएगा न्यूज़पेपर में भी दो न्यूज़पेपर होने चाहिए. ये कौन बताता है, ये रूल्स बताते हैं. तो अगर आप देखो तो आप ऐसे लिख दो, ये बात तो बताता है ये वाला पॉइंट, ठीक है. इसके अलावा अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना वो भी किसके थ्रू आएगी, नॉट थ्रू हैंड्स बट थ्रू पोस्टल बैलेट. अब पोस्टल बैलेट क्या होती है समझेंगे, पोस्ट के थ्रू बेसिकली आप सबका वोटिंग लोगे. पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे दो न्यूज़पेपर्स में आपको पब्लिश कराना पड़ेगा. ये बात एक्चुअली रूल्स बताते हैं, रूल्स कहते हैं दो न्यूज़पेपर्स में कराओ, वन इन इंग्लिश, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज. वो वर्नैकुलर बोल रहे हैं हमारे समझने के लिए सीधी बात है, जो भी वहां का लैंग्वेज मेजरली अंडरस्टूड है उस लैंग्वेज में आप पब्लिश कराओगे, प्लस कंपनी की वेबसाइट होगी. भैया आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई, हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, तो पब्लिश करना पड़ेगा आपको नोटिस को वेबसाइट पे भी. तो पब्लिकेशन ऑन द वेबसाइट, पब्लिकेशन ऑन द वेबसाइट. कोई कंफ्यूजन अभी तक, बहुत सिंपल है मैम. अब हमको ये बताइए, इट इज नॉट नेसेसरी कि सब लोग अग्री करें, जो लोग नहीं एग्री करते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, दोस्त वो आर नॉट गिविंग द अप्रूवल, वो बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के काला झंडा लेके आ गए, यू नो हड़ताल मचा दी कि आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा मंगाया था आप उसी के लिए यूज करो, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव लोग हैं. आप बताइए उनका क्या कर सकते हैं. तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग का मतलब जो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं, दोस्त जो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं, डिसेंटिंग का मतलब वो हैव नॉट अग्रीड. तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दे शुड बी गिविंग, सबको साथ में लेके चलना है. यहाँ पे रूल्स ये बोलते हैं कि देखो आप बहुत मेजर काम कर रहे हो, जिस टर्म्स पे पैसा उठाया था और जिसमें यूज कर रहे हो फर्क है दोनों में, तो आप क्या करो वेरिएशन करो, बट जो लोग नहीं एग्री कर रहे हैं उनको क्या करो, उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए. मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन अ एग्जिट ऑफर, ठीक है ना, आप उनको बाहर निकलने का रास्ता दे दो. शैल बी गिवन अ एग्जिट ऑफर बाय प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एट अ एग्जिट प्राइस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं आप उनको एग्जिट प्राइस बता दो. आप ये बोलो कि चलिए जी ऐसा है ना, आपको शेयर इशू किया था 10 पे, इफ यू आर नॉट बेसिकली गिविंग कंसेंट टू दिस प्रपोजल, तो आपके जितने भी शेयर हैं हम पर शेयर 12 रुपीज फिक्स कर दिया, एग्जिट प्राइस फिक्स कर दिया, उनको ऑफर दिया. अब अगर वो 12 रुपीज लेके कंपनी छोड़ना चाहें बहुत अच्छी बात है, 12 रुपीज लेके छोड़ना ना चाहे तो उनको क्या बोलेंगे, देखिए जी हमने ऑफर दिया है आपको लेना है लीजिए, नहीं तो कंप्लेन मत करिएगा कल. बात समझ में आई, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है. जो लोग अग्री हो गए ठीक है, सवाल ये आता है कि जो लोग नहीं एग्री हैं उनका क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिसेंटिंग, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. यहाँ रोज रोज आके हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, इसीलिए हमने बोला कि अगर आप कंसेंट नहीं दे रहे हो, dissenting shareholders shall be given an exit offer देना पड़ेगा. exit offer के लिए आप exit price बताओगे, ठीक है, price सेबी में mention होती है कि exit price कितना देना है वो पता रहा है सेबी, तो आप उनको एक exit offer दोगे. बात clear है, बहुत simple है. हमने देखा कि first of all prospectus की importance क्या है, फिर प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंस के बाद प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है वो समझ लिया. अब मैंने बताया था कि उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, कल दिन आपने उसमें चेंज किया तो वेरिएशन में क्या होगा वो बता दिया.
अब अगला कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे टाइप्स हैं दैट वी नीड टू डू, तो इतना कॉपी करिए फिर उसके टाइप्स देखते हैं हम। कॉपी करिए इसको, इसको लिख लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हैं। बहुत सारा क्लासिफिकेशन है वहां पे दैट वी नीड टू डू। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है? जब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने तो वहां पे दो वर्ड्स लिखाए थे, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स व्हाट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये लिखा था हमने, प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिखा है। तो ये दो चीजें लिखाई थी, बट उसके अलावा भी क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा बुक्स वगैरह में, तो हम वो भी कर लेते हैं। टोटल कुल मिला के मैं 5 क्लासिफिकेशन आपको सिखाऊंगी। ये नोट हो गया क्या सबका? एवरीबॉडी डन विद दिस? बच्चा पूछ रहा है पोस्टल बैलेट क्या होता है। देखो एक होता है आप बाय हैंड सबका वोटिंग करा रहे हो, दूसरा होता है पोस्ट के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा माइट भी आप लोग के यहाँ भी कभी कभी शेयर्स वाले पेपर आते हैं वहाँ पे वोटिंग का रहता है, तो ये पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कराना। डिटेल में हम रेजोल्यूशन का चैप्टर करेंगे तब समझेंगे कि कितने दिनों में पोस्ट वैलिड रहती है, किस तरह की पोस्ट आती है, रजिस्टर्ड पोस्ट या कैसे, वो सब समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको उसको पास कराना है, ठीक है। आगे करें, चलिए तो अभी हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बचता है आपका, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। उसके अलावा ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब मैं जो आपको टाइप्स दिखाऊंगी ना उनमें शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे भाई, जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि एग्जाम में क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन क्या नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे आपको 5 क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी। पांच क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। दूसरा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस। एग्जाम्स की अगर बात करें मैम सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ स्कैनर वगैरह आप देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो ये जो दो है ना ये मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछे गए एग्जामिनेशन में, रेड हेरिंग एंड शेल्फ। बट स्टिल देखो अगर आप नम स्कैनर्स उठाओगे तो ये ज्यादा पूछे गए हैं, बट ऑब्वियसली यू नेवर नो किस दिन बाकी तीनों पूछ लें। ऐसा नहीं है कि बाकी तीनों पूछे नहीं गए हैं, तो इटसेल्फ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आप स्कैनर खोल के देखोगे तो सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे गए हैं, राइट, रेड हेरिंग एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बट हमको क्लास में सारे समझने हैं, सारा इतना करके जाना है कि हम अपने वर्ड्स में लिख पाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कंपनीज आपकी जो लैंग्वेज है आप एज इट इज कॉपी करके लेके जाए आर्ट की, वो जरूरी नहीं है। हमको चतुर नहीं बनना है थ्री इडियट्स का, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। बात क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? इंजॉय करिए पढ़ाई को, ताकि हम पढ़े तो कॉन्सेप्ट पढ़े। कोई बच्चा रट्टा लगा के पूरे डेफिनेशन पढ़ा दिया, उसे बोला मतलब समझाना, मतलब तो नहीं पता बस याद कर दिया, तो ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए तो पढ़ाई आपके लिए ईजी रहेगी। पहला है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शुरू करें ना आगे, शैल वी मूव अहेड। चलिए, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, राइट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब इस वर्ड को ब्रेक करिए, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड यानी डीम का मतलब मान लिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। यानी कंपनी बोल के इशू नहीं कर रही है प्रोस्पेक्टस, बट सर्टन सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट को ही मान लिया जाएगा कि यस इट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो कौन सा केस होगा ऐसा? तो ऑब्वियसली जब भी कंपनी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करती है, कंपनी एनी डॉक्यूमेंट इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है प्रोस्पेक्टस का? फॉर द पर्पस टू सेल सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। आप पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करना चाहते हो, एनी डॉक्यूमेंट इशूड इन दिस रिगार्ड शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आप उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है इसको समझने में? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑफर ऑफ ऑल और एनी सिक्योरिटीज फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट और अग्रीमेंट टू अलॉटमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। बात समझ में आती है? अच्छा, जब कंपनी ने बेसिकली पब्लिक ऑफर लेके आया, कंपनी को कंसिडरेशन नहीं मिला, तो जिस डॉक्यूमेंट को थोड़ा लेके आया उसको ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ती है, इट इज सफिशियंट प्रोस्पेक्टस कितने टाइम कितने लोगों से साइंड हो। तो प्रोस्पेक्टस इज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और फर्म बाय टू डायरेक्टर्स। दो डायरेक्टर्स साइन कर देते हैं, बहुत है। क्लियर है ये बात? सेक्शन 25, अर्लियर जो सेक्शन बेसिकली 25 वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती थी, अब याद करिए वही वाला सेक्शन यहाँ के लिए है। तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 25, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली 2013। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब सिंपल, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये रेस करती है पैसा, ऑफर करती है पब्लिक को सिक्योरिटीज के लिए, तो वो उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो देखते हैं। इट मीन्स ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलियंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी by making regulations in this regard। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? abridged prospectus मतलब सीधी बात है, summarized version of a prospectus, ठीक है ना? summarized version, detailed नहीं है, summarized version है। तो summarized version of prospectus। देखो prospectus क्या होता है ना, prospectus अगर हम देखें तो इतनी बड़ी सी booklet हो जाएगी। अब अगर कोई कंपनी उसका समराइज्ड वर्जन प्रेजेंट करती है तो वो होगा एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है ना? समराइज्ड वर्जन है बट स्टिल जो भी प्रोस्पेक्टिव के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है? सारे फीचर्स आपको इसको समझ में आएंगे। तो समराइज्ड वर्जन है, सेक्शन 33 बेसिकली डील करता है इसमें, सेक्शन 33 डील करता है। देखो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहाँ होगा? समराइज्ड वर्जन है बट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? इट मींस नो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी इशूड फॉर शेयर और डिबेंचर अनलेस अकंपनीड बाय अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स, ठीक है? तो ये बेसिकली समराइज्ड वर्जन है, बट जरूरी बात ये है हमको ये देखना है केसेस वेयर इट डज नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। केसेस वेयर इट डज नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ हम बेसिकली समराइज्ड वर्जन नहीं देखेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे केसेस वेयर इट डज नॉट अप्लाई। पहला, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। अंडरराइटिंग समझते हैं? अंडरराइटिंग अग्रीमेंट जहाँ बेसिकली आप अंडरराइटर से अग्रीमेंट कर रहे होगे, मैंने आप हमारा सारा बिकवाओगे,
अगर शेयर्स कम सब्सक्राइब हुए तो यू नीड टू टेक द शेयर्स. तो ये अंडररेटिंग अग्रीमेंट जहां भी होगा वहां पे समराइज्ड वर्जन नहीं चलेगा. नो ऑफर टू द पब्लिक. ऑब्वियसली अगर आप पब्लिक को ऑफर ही नहीं करते हो, पब्लिक को ऑफर नहीं करते हो, इसका मतलब आप राइट इशू लेके आ रहे हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहे हो, इन दैट केस ये प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं होगी. ये प्रोस्पेक्टस या इन दैट केस कोई भी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा यूनिफॉर्म शेयर्स जब हैं, वेदर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर्ड आर इन रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड. ठीक है ना, कोई शेयर्स और डिबेंचर्स हैं आप ऑलरेडी इशू ला चुके हो, फर्स्ट टाइम इशू आ चुका है, सेकेंड टाइम आ रहा है, इन दैट केस एवरेज प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है. बात समझ में आई? तो मुद्दे की बात सिर्फ दो, जब भी आपका अंडरराइटिंग का होगा ना, व्हेन अ ऑफर इज मेड इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इनविटेशन टू द ऑफर टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, अंडरराइटर्स को बेसिकली आप बोल रहे हो कि देखो जी आपसे अगर नहीं हुआ तो फिर आपको लेने पड़ेंगे शेयर्स, तो वहां पे एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए. प्लस अगर आपके यूनिफॉर्म शेयर्स है दैट मीन्स ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस आ चुका है, तो फिर वहां पे भी आपको सेकेंड टाइम लाने की जरूरत नहीं है. बात क्लियर है? कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो पेनल्टी लग जाएगी 50,000 की फॉर ईच डिफॉल्ट. सिंपल है एकदम. शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. पहले करते हैं रेड हेरिंग, इस पर मुझे मेजर डिस्कशन करना है. सेक्शन नंबर 32, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज. पहले लिख लीजिए एब्रिज का, फिर करते हैं. मैं इस बोर्ड को रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेड हेरिंग आपको डिटेल में सिखाना है. ठीक है ना, क्लासिफिकेशन सबने नोट कर लिया ना, ताकि मैं इसको डिटेल में समझा पाऊँ. आई नीड मोर स्पेस. रब कर दूँ पूरा? चलिए, आपका चार्ट अगर बन गया है तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. शॉर्ट में हम इसको आरएचपी बोलेंगे, शॉर्ट में हम इसको आरएचपी बोलेंगे. ठीक है, अब से बाद मैं इसको आरएचपी बोलूंगी. आरएचपी क्या होता है? वो प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती. कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. Complete information about what? Which does not contain. क्या लिखवा रही हूं मैं? RHP means that prospectus which does not contain complete particulars. Complete particulars. अब हमको complete particulars किस regards में देखना है? एक तो कितने number of shares आप issue कर रहे हो, that is quantum. Quantum मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, अब कितने शेयर्स का इशू लेके आ रहे हो ये नहीं बता, प्लस प्राइस नहीं बता, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी नहीं पता. तो जहां पे कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होंगे वहां पे हम आरएचपी डालेंगे. ये बात समझ में आती है. दैट मीन्स कोई भी कंपनी है अगर वो ये डिटेल लेके आती है क्या चल जाएगा? नहीं. इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? कि हमको कंप्लीट डिटेल भी मिले. ठीक है, बट होता क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया वो समझते हैं. देखो, प्रोस्पेक्टस अगर लेके आते हो तो प्रोस्पेक्टस में डेफिनेटली क्या होता है, कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है वो भी मेंशन रहता है, प्लस क्या रहता है, प्राइस भी डिटरमाइन रहता है. बट क्या है ना, पहले ऐसा होता था ना कि कंपनी क्या बोलती है, हम पुराना सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहते जहाँ पे हम प्राइस बता दें और लोगों को बोले कि लेना है तो इस प्राइस पे लो, नहीं तो मत लो. अभी क्या है, जमाना पब्लिक का है, तो एक कंपनी स्मार्ट आइडिया लेके आई. कंपनी बोलती है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अवर शेयर्स. हम तो रेपुटेड कंपनी है, हम प्राइस नहीं डिसाइड कर पाएंगे, असली कीमत तो जौहरी को पता रहती है. पब्लिक बहुत समझदार है, ये पब्लिक सब जानती है, राइट? तो वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अवर शेयर, लेट इट बी डिसाइडेड बाय पब्लिक. पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए. इसका मतलब प्राइस जो है, ध्यान से सुनिएगा, पहले होता था कि प्रोस्पेक्टस में आप प्राइस बताते हो, बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप प्राइस नहीं बताओगे, प्राइस आपको पब्लिक बताएगी. आप बिडिंग कराते हो, बिडिंग समझते हो, बोली लगाना, इट्स नॉट ऑक्शन.
ऑक्शन में होता है ना, ऑक्शन में क्या होता है, वो बोलता है 500 रुपए 1, 500 रुपए 2, 500 रुपए 3, तीन जिसने बोल दिया वो चीज उसकी हो जाती है, ठीक है ना। वो होता है ऑक्शन, मतलब कंप्लीटली वो प्रॉपर्टी जिसका आप ऑक्शन करा रहे हो, जिसने हाईएस्ट वैल्यू लगाई, ऑक्शनर ने 3 बोला, वो उसको आपने दे दिया, वो होता है ऑक्शन। बट मैं यहाँ ऑक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिडिंग करा रही हूँ। बिडिंग का मतलब मैं आपको शेयर्स ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, पब्लिक को बैठाया है, शेयर्स ऑफर कर रही हूँ, पब्लिक बिड करती है कि वो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, मैं शेयर्स बोल रही हूँ बट आई मीन सिक्योरिटी, वो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए कितने रुपए देगी। कोई बोलता है 500, 520, 560, तो इट डिपेंड ऑन द पब्लिक कि वो कितना बेसिकली बिडिंग कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स आप प्राइस जो है डिसाइड नहीं कर रहे हो। इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। तो ये बेसिकली बुक बिल्ड इशू है, बुक बिल्ड इशू, ठीक है ना, बुक बिल्ड इशू, इसको हम प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, ठीक है ना। क्या होता है इस प्रोसेस में, सीधी बात है कि यहाँ पे इन दिस केस प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर बिडिंग, बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, इन दिस प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन दिस प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जब तक बिडिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप प्राइस नहीं पता कर पाओगे। इसीलिए जब आपको डिटेल नहीं पता है, कंपनी को जब डिटेल नहीं पता है, तो फिर वो कैसे बता पाएगी प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है ना। इसीलिए लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस, बट पब्लिक को अल्टीमेटली बिडिंग कराना है, उसके लिए भी पब्लिक को बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ जी हम बिडिंग लेके आ रहे हैं, आप लोग प्राइस बताइए। तो वो बिडिंग लेके आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैसे बताएंगे, हम इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू बताएंगे, दैट इज आरएचपी। तो आरएचपी के थ्रू आप ये बताओगे कि आप इशू लेके आ रहे हो बट प्राइस नहीं पता, नंबर्स नहीं पता, बात क्लियर है ना। तो प्राइस कैसे पता चलेगी, बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्राइस आपको पता चल जाएगी, बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। हेंस सच डिटेल्स आर नॉट टू बी शोन इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद द आरओसी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बट एक बार मुझे बताना, एक बार अगर बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फाइनल प्राइस आ गई ना, फाइनल प्राइस आ जाएगी। अब ये जो फाइनल प्राइस होगी, दैट यू नीड टू फाइल अगेन विद द आरओसी, जिसको हम प्रोस्पेक्टस में फाइल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वो कंपनी जो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस फाइनल करती है, उसको दो प्रोस्पेक्टस देने पड़ते हैं। पहला, हमको पब्लिक को बताना है कि हम हमारे शेयर्स की बिडिंग करा रहे हैं, आप लोग इनवाइटेड हैं, प्राइस बिड करिएगा। तो पहला ये जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, उसको हम बोलेंगे आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और एक बार बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यू गॉट द प्राइस, फाइनल प्राइस डिटरमाइन हो गया, अगेन यू नीड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी। फिर पब्लिक को नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आरओसी को देना पड़ेगा, बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। दो प्रोस्पेक्टस हो गए ना, ये बात समझ में आई सबको अच्छे से, प्राइस डिटरमाइन कैसे हो रही है, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। कंपनी बोलती है कि प्राइस तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी, तो पब्लिक बिडिंग के थ्रू प्राइस डिसाइड करती है, अल्टीमेटली वो फिर से नया प्रोस्पेक्टस लेके आती है, वहां पे ये मेंशन रहता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोविजंस देखें, इशू ऑफ आरएचपी प्रायर टू प्रोस्पेक्टस, क्या मतलब, अ कंपनी प्रपोजिंग अ इशू सिक्योरिटीज इशूज आरएचपी प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दो प्रोस्पेक्टस हुए ना, पहले आरएचपी लेके आती है, फिर फाइनली प्रोस्पेक्टस लेके आएगी। फाइलिंग विद द आरओसी, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू आरएचपी शैल फाइल इट विद आरओसी एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ ऑफर। बहुत जरूरी बात है कि जब भी ऑफर ओपन होता है, उससे 3 दिन पहले आरएचपी देना जरूरी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो प्रोस्पेक्टस है, लास्ट टाइम हमने वेरिएशन देखा था कि प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखा है, अल्टीमेटली कंपनी किसी और तरीके से पैसा अप्लाई कर रही है, तो वेरिएशन आया था ना, यहाँ पे भी वेरिएशन हो सकता है। बिकॉज दो प्रोस्पेक्टस हैं, तो आरएचपी जो कि इशू से 3 दिन पहले कम से कम आपको देना पड़ेगा, और जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होगा, वेरिएशन पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जो भी वेरिएशन होंगे, वेरिएशन शुड बी हाईलाइटेड, आप हाईलाइट करो, आरएचपी शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशंस एज एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस। तो कोई भी वेरिएशन है,
आरएचपी में, दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और फाइनल प्रोस्पेक्टस पे दैट शुड बी हाईलाइटेड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके फीचर्स लिखने को आएंगे, शॉर्ट नोट लिखने को आएगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन ऑफ आरएचपी दैट मींस क्लोजिंग ऑफ द ऑफर में, बिकॉज ऑफर क्लोज होगा, बिडिंग में प्राइस आ जाएगा, तो फिर फाइनली यू नीड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी. कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, आरएचपी कंटेन ईदर द फ्लोर प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड और अ प्राइस बैंड अलॉन्ग विद द रेंज विद इन विच बिड्स कैन मूव. बहुत ध्यान से समझना, प्राइस जो है ना, पहले ऐसा होता था कि 20% के रेंज कर सकती है. मतलब ध्यान से समझना इस बात को. एग्जाम्पल के तौर पे अर्लियर ऐसा सिस्टम था कि कंपनी जो भी प्राइस देगी उसमें 20% का वेरिएशन पॉसिबल है. अर्लियर 20% वेरिएशन, ये मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड था. मतलब अगर 100 रुपए का आपने प्राइस, फ्लोर प्राइस डिसाइड किया, तो पब्लिक वेरी कितना कर सकती है? 100 का 20% कितना होता है? 120. यानी प्राइस जो है 100 से 120 के बीच में ही रहनी थी. अर्लियर ऐसा होता था. अर्लियर इन 1956 रूल था कि 20% बेसिकली रेंज पॉसिबल है, 20% रेंज पॉसिबल है. बट अभी क्या हो रहा है? अभी वेरिएशन ये नहीं बताएगा लॉ. वेरिएशन के लिए क्या बोला कि कंपनी अपना फ्लोर प्राइस डिसाइड करेगी, बेसिक प्राइस जहां से शुरुआत करनी है वो डिसाइड करेगी, प्लस कितना रेंज पॉसिबल है वो बिड्स बनाएंगी. ठीक है ना? कंपनी यहाँ पे कंपनी एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि 20% बिड अलाउड है, ऐसा नहीं है. अभी बिडिंग प्रोसेस बताएगा कि आप कितना बिड में रेंज कर सकते हो. तो 20% जैसे कुछ नहीं है. अब 100 का 130 भी हो सकता है. बात समझ में आई? Nowadays 100 rupees अगर आपने अपना फ्लोर प्राइस डिसाइड किया तो बिड प्रोसेस के थ्रू 130 भी हो सकता है. बट अर्लियर इट वॉज नॉट शो. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, तो विद दिस हमारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कंप्लीट होता है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज फ्रेश माइंड चाहिए. देखो, रेड हेयरिंग और शेल्फ बहुत पूछते हैं. रेड हेयरिंग के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, 2 प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, बिकॉज प्राइस यहाँ पे कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप बिडिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हो. जब कंपनी को ही नहीं पता तो कंपनी पब्लिक को डॉक्यूमेंट के थ्रू कैसे बताएगी? इसलिए नहीं बताती है. फिर जब बिडिंग प्रोसेस हो जाता है तो आपको प्राइस पता चल गया, अब आप पब्लिक को बता दो. ठीक है, तो विद दिस हमारा ये कंप्लीट होता है. अर्लियर 20% वेरिएशन था, अभी लिख लीजिए नाउ रेंज. कौन डिसाइड करता है? रेंज डिसाइडेड बाय, रेंज डिसाइडेड बाय बिड्स. अब जो है बिड्स के हिसाब से रेंज होगा. अब 20% आपको याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो विद दिस हमने आज किया प्रोस्पेक्टस का बैकग्राउंड. ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पर्टिकुलर्स देख लिए. इंपॉर्टेंट हमने किया अगर वेरिएशन होता है तो क्या कराना पड़ेगा, वो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. एक तो एक्ट भी आ जाता है प्लस रूल्स भी इन्वॉल्व है, तो हमको सेम टाइम पर रूल्स पढ़ने हैं. ऐसा नहीं है कि सारे रूल्स एक साथ हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. जहां जहां रूल्स लगेंगे वो रूल्स भी पढ़ेंगे. प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस में हमने डीम्ड किया वेरी लेस इंपॉर्टेंट, एब्रिज्ड पूछ लेते हैं, जरूरी है कि वहां कहां नहीं लगता है वो देखना पड़ेगा. रेड हेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट. शेल्फ एंड इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलिए, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.